लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हरदा में मूलभूत सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे 10 ग्राम पंचायतों के 22 गांवों के सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार करने की खुली चेतावनी दी। देखिए रिपोर्ट। हरदा जिले की 10 ग्राम पंचायतों के करीब 22 गांवों में आज भी बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारी कर्मचारियों को कई बार इन समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसे लेकर आज सभी गांवों के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने पर लोकसभा के बहिष्कार की बात कही। हमारे यहाँ बिजली के कारण परेशान है। बिजली नहीं मिलने का मुख्य कारण तो है कि वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब स्टेशन पर हाजिर नहीं रहता है तो वो आज इधर की काट के उधर चलाता है, उधर की काट के इधर चलाता है। उससे फसलें सूख रही है, पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता बराबर। घंटे दो घंटे आती है, 5 मिनट आएगी, 5 मिनट जाएगी। 24 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे मिलती है। लाइट नहीं आएगी तो वोट नहीं करेंगे। 7 पंचायत के गाँव हैं और लगभग 22 गाँव हैं। सभी लोग बिजली और पानी की समस्या से प्रभावित हुए बुरी तरह। फसलें सूख रही है, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी 2016 में कि आपको उद्वहन सिंचाई योजना, जो इलाप सिंह योजना का घोषणा करने के बाद में भी अभी तक हम लाभान्वित नहीं हुए। और बिजली की स्थिति यह है कि लगभग 2.5-3 घंटे अधिकतम चलती है, इसके बाद बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। बुरी तरह ओवरलोड है सोनतलाई 33, उसके कारण सभी गाँव परेशान है। आज समस्या हमारी बिजली की जो है, हर फीटर पर ये समस्या है, लेकिन सोनतलाई ज़्यादा परेशान है। और पहले भी हमने आवेदन दिया, बहिष्कार की भी हमने निवेदन किया कि अगर हमारी बिजली नहीं सुधरी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2 बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बाद में भी हमारे रोड के विषय में भी दिया, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। अभी वर्तमान में हमको बिजली का काम है। हमारी मूंग की फसलें नष्ट हो रही है, मूंग की फसलें बिल्कुल चौपट हो रही, पहला और दूसरा पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे वहाँ पर फीटर तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन वो भी अब आज पूरे फिल्टर बंद है। अभी कुछ 5-6 पंचायतों के किसान यहाँ आए थे, जिन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी है, तो उनका समय सीमा में निराकरण करके उनको वोट वो लोग करें, उसकी समझाइश दी जाएगी। बिजली और पानी की लेकर ही है, नहर की नहीं, उनको समझाइश देंगे। वो लोग ने कहा है कि हम सर आपकी बात पे विचार करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए किसानों को मनाने में सफल हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, हरदा।